जैसे मान लीजिए आपको कोई 2 इंच का एक पाइप दे दिया, तो 2 इंच का पाइप मान लीजिए उसका ओडी होता है 60, ठीक है। अब आईडी उसका शेड्यूल के हिसाब से उसका आईडी होता है, तो आईडी मान लीजिए जिस जिस शेड्यूल का रहेगा, जितना शेड्यूल बढ़ेगा उतना आईडी उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे 2 इंच का स्टैंडर्ड में है, तो उसका आईडी मान लीजिए स्टैंडर्ड का, सो दोस्तों आप जान लीजिए पाइप में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक पाइप में आपका लेंथ होता है, लेंथ के बाद आपका ओडी, आईडी और सीएफ, ये 4 चीज़ें होती है। साथ में एक वेट भी होता है, लेकिन वेट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग को लेंथ के बारे में जानना है, तो लेंथ हम लोग किसी भी मेजरिंग टेप से एंड से लेकर एंड तक चेक कर लेंगे, जो भी लेंथ होगा उसको एमएम में हम लोग काम करते तो एमएम उसको निकाल लेंगे। दूसरा होता है हम लोग का सीएफ, तो सीएफ हम लोग जानने से पहले ये बताऊंगा आपको ओडी। तो ओडी दोस्तों जैसे आप यहाँ से लेके एंड से लेके यहाँ तक आप चेक करेंगे तो ये आपका ओडी होता है, और ओडी के बाद आपका आईडी आता है। तो आईडी आपका ये इनसाइड होता है, जैसे ओडी का मतलब आउटसाइड डया हो गया, आईडी का मतलब हो गया आपका इनसाइड डया, ओके। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आप चेक करेंगे, इसका मेजरमेंट निकालेंगे तो आपका ये आईडी हो गया इनसाइड डया, तो आईडी हो गया। और इसका सीएफ का मतलब होता है, सीएफ बोलते किसे हैं, इसका पूरा राउंड फेस में अगर हम लोग चेक करेगा, मेजरमेंट निकालेगा इसका, तो ये हम लोग का सीएफ हो गया। तो सीएफ को सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं दोस्तों। तो फिर हम बात करेंगे आपको निकालना कैसे इसका, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग का एक 4 चीज़ क्लियर हो गया, लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, जो भी आपका एंड है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये लेंथ हो गया। आपका ओडी यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे, ओडी हो गया। आप इसका आईडी हो गया, ये इनसाइड से इनसाइड आप चेक करेंगे तो आईडी हो गया, और आपका सीएफ हो गया, ये राउंड सर्कम में अपना आप चेक करेंगे तो जो भी मेजरमेंट आएगा एमएम में वो आपका सीएफ हो गया। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दिया 4 इंच का पाइप, ओके। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई 2 इंच का पाइप दे दिया, ये पाइप नहीं है ये ट्यूब है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पाइप इसको बता के मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई 2 इंच का एक पाइप दे दिया, तो 2 इंच का पाइप मान लीजिए उसका ओडी होता है 60, ठीक है। अब आईडी उसका शेड्यूल के हिसाब से उसका आईडी होता है, आईडी मान लीजिए जिस शेड्यूल का रहेगा, जितना शेड्यूल बढ़ेगा उतना आईडी उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे 2 इंच का स्टैंडर्ड में है, तो उसका आईडी मान लीजिए स्टैंडर्ड का जो होता होगा, ठीक है, तो उतना हो जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड में 4 mm 4.5 mm थिकनेस आता है उसका, ठीक है, तो उतना हम निकाल लेंगे 4008 mm निकाल लेंगे 60 में, तो 52 mm उसका आ जाएगा अपना आईडी, ठीक है। तो खैर उससे कोई वो नहीं है, ठीक है, अभी तो आप उसका जब उसके बारे में जानेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं उसका फार्मूला बताऊंगा कैसे आप ओडी आईडी सीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दिया 2 इंच का पाइप, बोला मुझे इसका सीएफ निकाल के दो, ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे इस चीज़ का फार्मूला मैं आपको समझाऊंगा पूरा, ठीक है। उसको लेके चलूंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसका निकाल सकते हैं, कटबैक बोल रहा हूँ मैं, आप इसका कैसे सीएफ निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई सीएफ दे दिया तो आप उसका कैसे ओडी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई आईडी ही दे दिया, ठीक है, और उसका शेड्यूल बता दिया कि इतना शेड्यूल है ये आईडी है, तो आप उसका कैसे आप निकालेंगे उसका सीएफ या आईडी ओडी जो भी होता है कैसे निकालेंगे, उस सब चीज़ का मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाऊंगा उसको, ठीक है दोस्तों। चलिए लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, आगे का प्रोसेस मैं पूरा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको समझा दूंगा। चलिए पहले दोस्तों मैं आ गया लैपटॉप स्क्रीन पे अपने। जैसे कि मान लीजिए आपका सी एफ इक्वल टू ओ डी इंटू 3.142, ये ओ डी टू सी एफ के लिए है। जैसे वो आउटसाइड डया से आपको सी एफ अगर निकालना है तो ये उसके लिए है। सी एफ इक्वल टू ओ डी इंटू 3.142, पाइप मान लीजिए आपका 2 इंच का है, ओ डी उसका 60 mm होता है, तो आपने सीधा ओ डी, जैसे ओ डी की जगह बस 60 हो गया, इंटू 3.142 इक्वल टू 189, ओके। तो ये आपका 189 में आपका ये सी एफ हो गया, ठीक है, आपका 189 में सी एफ हो गया, ठीक है, ये सी एफ हो गया। अभी मान लीजिए आपको ओडी से आईडी निकालना है, तो
जैसे कि आप देखिए आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ओडी माइनस टू थिकनेस, जैसे ओडी माइनस टू इंटू थिकनेस। जैसे मान लीजिए ओडी मेरा 60 हो गया, दो इंच का ओडी 60 हो गया, माइनस टू हो गया, ये टू का टू ऐसे रखेंगे, इंटू कर देंगे 3191। जैसे थिकनेस हो गया स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड का थिकनेस 3.91 होता है। ओके, तो इसका अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3.91 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 7.982 हो जाएगा, तो 60 - 7.82 हो गया, इक्वल टू आपका आईडी हो गया 52.18। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। फिर आगे चलता हूँ मैं, जैसे सीएफ से आपको ओडी निकालना है। ओके दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको सीएफ से ओडी निकालना है, तो ओडी का फार्मूला होता है सीएफ डिवाइड 3.142, सेम वही रहेगा। तो आपको सीधा सिंपली जाना है 189, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 189 mm का यहाँ पे सीएफ आया है, 2 इंच का, यहाँ पे 2 इंच का 189 सीएफ डालिए, डिवाइड करिए 3.142, इक्वल टू आपको 60 मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने 189 डाला और यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3.142, ओके, यहाँ पे 60 आ गया, 60.15, ठीक है, तो ये 1 पॉइंट छोड़ देंगे। ओके, तो ये 60 आ गया, तो हमारा ये आंसर 60 हो गया। तो यहाँ तक आप समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल का आइकन हिट कर दें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो आपके पास हमेशा लाता रहता हूँ।